हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सोनी सिंह के चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर मैं एक स्मोकी आइज मेकअप और सिंपल मेकअप भी करूँगी साथ में, तो मैं लेके आई हूँ। तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए आइज में कंसीलर लगा रही हूँ। जिस प्रकार से हम लोग फेस में मेकअप करते हैं, तो मेकअप करने से पहले हम लोग को फेस में बेस तैयार करना पड़ता है। उसी तरह हम लोग को जब आइज मेकअप करते हैं तो आइज में भी हम लोग को बेस तैयार करना पड़ता है। तो बेस तैयार करने के लिए हम लोग को आइज में कंसीलर का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो कंसीलर को मैंने एक छोटा सा चपटा ब्रश लिया है, उससे मैंने कंसीलर को पूरी आइज में अच्छी तरह से लगा दिया है। अब मैं इसको फिंगर की सहायता से डैब डैब करके सेट कर रही हूँ। आप फिंगर की सहायता से या ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से भी इसको अच्छे से इस प्रकार से डैब डैब करके सेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैं ब्लैक कलर का स्मोकी आइज मेकअप कर रही हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का काजल लिया है। तो यहाँ ब्लैक कलर के काजल से मैं यहाँ पर आइज में काजल को इस तरह से फैलाते हुए लगाऊंगी। ज़्यादा नहीं फैलाना है, थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से काजल लगा रही हूँ। काजल जो है बिल्कुल थिक वाला नहीं लेना है, कि एक जगह लग गया तो वहाँ से दूसरे हट ही नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग को इस काजल को ब्रश की सहायता से ब्लेंड भी करना पड़ेगा। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने काजल लगाने के बाद फिर मैं ब्रश लेके इसको इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड पूरी आइज में नहीं करना है, जहाँ आइज बोल के आसपास ही बस नहीं करना है ब्लेंड। तो देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने कितनी ही दूरी पर मैंने ब्लैक का जो काजल लगाया था उसको ब्रश की सहायता से ब्लेंड किया हुआ है। इसी तरह से आपको अच्छे से सेट करके ब्लेंड करना है। फिर जो यहाँ पर आइज की जो कट क्रीज होती है, यहाँ पर जो इस कट क्रीज में हमको ब्राउन कलर का आई शेडो लेंगे, और उसमें ब्राउन कलर से आई शेडो को कट क्रीज इस तरह से बनाएंगे। हम लोग फ्लपी ब्रश लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे आईज में भी मेकअप करेंगे। फिर उसके बाद आई शेडो, जहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर जो काजल लगाया था ब्लैक कलर का, उसमें हम थोड़ा सा ब्लैक कलर का आई शेडो भी लगा लेंगे ऊपर से हल्का हल्का। और फिर देखिए, मैंने ब्लैक कलर के जहाँ जहाँ काजल था उसमें मैंने हल्का हल्का उसमें आई शेडो ब्लैक कलर का लगाया हुआ है, तो इससे और भी निखर के आता है आई शेडो। फिर स्मोकी आइज भी खूब अच्छा सा निकल के आता है। फिर अब चलती है, मेरा ये आइज मेकअप कंप्लीट हो गया था। तो अब यहाँ पर फेस मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्राइमर लगाया। प्राइमर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे फेस में थोड़े से स्पॉट्स के निशान हैं, तो मैं इसको छुपाने के लिए यहाँ पर ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके भी फेस में इस तरह से छोटे छोटे कोई स्पॉट्स के निशान हैं, तो आप ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से कंसीलर यूज़ करने से पूरे फेस जो फेस में दिख रहे थे इस पर वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो आप भी इस तरह से कंसीलर से इसको हाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगाया है फेस में, उंगली की सहायता से डैब डैब करके फाउंडेशन लगाया। फिर उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश यूज़ किया मैंने। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं, मगर आप मेरी हर वीडियो में देखेंगे मैं ब्रश का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश से करना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने ये मेरा फेस पाउडर पूरा कंप्लीट से लग गया। अब मैं यह कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर पूरे फेस में नहीं लगाते हैं, फोरहेड में, आइज के नीचे, नोज पे, अपर लिप्स पे, फोर चिन पे, यहाँ पर लगाएंगे। तो ये कंसीलर मैंने इस तरह से लगा लिया। अब इस कंसीलर को भी मैं ब्रश की सहायता से ही पूरा ब्लेंड करूँगी। या तो आप ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश की सहायता से, दोनों से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से पूरा डैब डैब करके हल्के हाथों से ही किया जाता है, बिल्कुल जोर जोर से जल्दी जल्दी नहीं किया था, आराम से हल्के हाथों से किया था। फिर यहाँ पर मैंने फेस पाउडर कंप्लीट कर लिया था। फिर यहाँ पर मैं ब्लशर लगा रही हूँ। देखिए, ब्लशर में बहुत ही लाइट ही लगाया है। फिर मैं यहाँ हाइलाइटर भी लगा रही हूँ। हाइलाइटर फोरहेड पे, नोज पे, अपर लिप्स पे भी हल्का हल्का लाइट लगाया मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया। फिर मैं यहाँ आईब्रो को फिल कर रही हूँ। ये आईब्रो मेरी ब्राउन कलर की इस पेंसिल है, जो मैंने उससे आईब्रो फिल किया। अब यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का आइज मेकअप में किया है सिंपल मेकअप, तो यहाँ रेड कलर की लिपस्टिक नहीं अच्छी लगती, तो यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली है, तो मैं वही ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। अगर आपको रेड कलर की अच्छी लगती तो आप रेड कलर की भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पर ब्राउन कलर की अच्छी लगी, इसलिए मैंने ब्राउन कलर की मैंने लिपस्टिक ली है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ऊपर ये वाली लिपस्टिक अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और फाइनली मेरा ये मेकअप कंप्लीट हो गया है। तो आप मुझे कमेंट कर बताइएगा मैंने जो ये मेकअप किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।